हेलो स्टूडेंट, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और हम सोल्व कर रहे थे क्लास एट्थ की एक्सरसाइज 8.3। तो आज का क्वेश्चन नंबर 4 जो इसको सोल्व करेंगे। तो देखिए, जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है वो बोलता है आई बोरो 12,000 फ्रॉम जमशेद एट 6% पर एनम। तो देखिए, 12,000 रुपये उधार लिया है जमशेद से 6% पर एनम पे सिंपल इंटरेस्ट लगेगा 2 साल के लिए। तो ध्यान देना, यहाँ पे ये जो इंटरेस्ट है ये पर एनम है साल का, तो सिंपल इंटरेस्ट 2 साल के लिए। और वहीं पे बोलता है हैड आई बोरोड दिस सम एट 6% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो अगर इसी अमाउंट को बोलता है 6% पर एनम के हिसाब से कंपाउंड इंटरेस्ट मिले तो उसको कितना एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो देखिए, क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसमें केस वन हो जाएगा जिसमें कि सिंपल इंटरेस्ट जो है उसमें निकालेंगे, और केस टू हो जाएगा जिसमें कंपाउंड इंटरेस्ट पे निकालेंगे इसको। तो केस फर्स्ट लेते हैं जिसमें लग जाएगा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, तो वो हो जाएगा P1 × R1 × T1, क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट तो हमारे लिए 12,000 हो गया, लेकिन रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है वो हमने R1 और T1 से रिप्रेजेंट कराया, तो हो जाएगा 12,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 6 और टाइम है 2 साल, अपॉन में 100। तो देखिए, इससे ये डिवाइड हो जाएगा और ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो आंसर आएगा 1,440 रुपीज़। तो ये इंटरेस्ट ही आया है इसमें, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट में ये सीधा इंटरेस्ट ही आता है जब हम सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले से निकालते हैं। लेकिन जो केस टू है तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला, तो उसमें ये निकलता अमाउंट जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और वो हो जाएगा P(1+R)/100 ^n। तो इसमें हमने प्रिंसिपल अमाउंट को P2 से रिप्रेजेंट कर दिया और रेट ऑफ इंटरेस्ट को R2 से। तो यहाँ जो बनेगा वो आएगा, प्रिंसिपल अमाउंट तो 12,000 ही है, ^1+R)/100 ^2। तो देखिए, इसका एलसीएम लेंगे यहाँ पे, तो जो अमाउंट बनेगा वो बनेगा 12,000 और इन दोनों का एलसीएम आएगा 100 ही, और 1 से 100 को डिवाइड करें तो 100 रहेगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 100 ही, प्लस इससे इसको डिवाइड करा तो आया 1, और 6 को 1 से करा तो 6 आएगा का होल स्क्वायर। तो ये बन जाएगा 12,106 × 106/100, क्योंकि स्क्वायर है तो 2 बार आ जाएगा। तो देखिए, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, इस 1 जीरो से ये, तो यहाँ जो अमाउंट बचेगा वो बचेगा, ये आएगा 12 × 106 × 106/10। तो 2 के टेबल से कट जाएगा, 2 5 = 10 और 2 6 = 12, और 5 के टेबल से 5 2 = नहीं, ये नहीं कटेगा, 5 के टेबल से 5 रहेगा ही यहाँ पे। अगर करना चाहते हो तो 5 के टेबल से, तो 5 1 = 5, 5 2 = 10 और 5 1 = 5 पॉइंट इतना आ जाएगा, तो 6 × 21.5 × 106। तो मल्टीप्लाई करने पे ये जो आता है, ये आता है 13483.2। देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे 5 2 = 10 होता तो 2 आएगा यहाँ पे, और यहाँ पे भी 2, फिर मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना अमाउंट आ जाएगा। लेकिन जो ये अमाउंट आया, ये आया इंटरेस्ट को जोड़ के, हमें इंटरेस्ट चाहिए तो इंटरेस्ट के लिए जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको इससे माइनस करना पड़ेगा, तो जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो हो जाएगा अमाउंट माइनस जो प्रिंसिपल अमाउंट है। तो अमाउंट आया है 13,483.2 और प्रिंसिपल अमाउंट जो हमने लिया था वो था 12,000। तो इस पर देखिए, माइनस करने पे ये आ जाएगा 1483.2 रुपीज़, इतना आ गया। तो अब देखिए, ये इंटरेस्ट जो है कंपाउंड इंटरेस्ट इतना है, और सिंपल इंटरेस्ट जो है वो 1,440 रुपीज़ है। तो सीधा सा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट ज़्यादा है,
तो कितना ज़्यादा है, तो एक्स्ट्रा अमाउंट दैट आई हैव टू पे हो जाएगा इसमें से, सिंपल इंटरेस्ट को माइनस कर दीजिए, तो माइनस करने के बाद आएगा 43.20 रुपीज़। तो इतना अमाउंट उसको एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो बस यही था इसमें, मुझे लगता है आपको समझ आ गया होगा। अगर आपका बीवी को डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस एक्सरसाइज के आपको सारे क्वेश्चन आंसर चाहिए होंगे तो प्लेलिस्ट का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा या नीचे डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक मिल जाएगा, वहाँ पे जाके चेक कर सकते हो इस चैप्टर और बाकी चैप्टर्स के वीडियो को भी। और ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।